नमस्कार दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेटिस के अंदर। सो फ्रेंड, जो भी CTET 2022 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्वालिफाई करना चाहते हो, फटाफट से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी लोग हमसे जुड़े हुए उन्हें पता है कि यहाँ पे हम CTET 2022 का संपूर्ण सिलेबस जो है कंप्लीट कवर करा रहे हैं। सो फ्रेंड, जिसके अंदर हम मैथ पेडागोजी को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके कि 8 चैप्टर थे जो कि हमने कवर कर लिए। इसके साथ साथ हम हिंदी पैडागोजी को भी अभी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 7 चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमारा ईवीएस भी चल रहा है जिसके अंदर हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। और इन सभी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी वीडियोज आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, जहां तक आज की बात करें, आज मैं आपको मैथ थ्योरी कराने वाला हूं, क्योंकि मैथ पेडागोजी भी मैंने कराया था, तो अभी मैथ का थ्योरी पार्ट भी मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे मैथ के थ्योरी पार्ट को कराने वाला हूँ। आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो पहला चैप्टर होगा वह होगा ज्योमेट्री का, ज्योमिति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, जो कि एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। इससे पहले आप हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लीजिए। फेसबुक पे आप हमें टेट्रिक्स के नाम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें @टेट्रिक्स के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जहां तक बात है टेलीग्राम की, टेलीग्राम पे @टेट्रिक्स26 के नाम पर आप हमें फॉलो करते कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली रोज 9 बजे जो है क्विज कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब लेके चलता हूँ मैं आपको, ये सिलेबस दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मैथ का सिलेबस होगा, जिसके अंदर की यहाँ पे पहला चैप्टर है वो है ज्यामिति, जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल जो है 14 चैप्टर है, तो इन 14 चैप्टर को एक एक करके यहाँ पे हम सबको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है, इसके जो नोट्स है हमारी टेट्रिक्स की टीम ने बनाए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त नोट्स है। एक बार मैं आपको फटाफट से इन सारे नोट्स को दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इन सारे नोट्स को बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ साथ हम क्विज भी करेंगे लास्ट में, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्विज के कुछ क्वेश्चन है, तो अभी बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहला चैप्टर यहाँ पे देख ही रहे हैं, जो कि ज्योमिति जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। इन टॉपिक्स को हमने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसमें जो पहले 3 पार्ट्स है ना, पहले 3 पॉइंट के अंदर जो जो भी टॉपिक है, उन सबको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए 3 टॉपिक है उनको हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर इन 3 टॉपिक को तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में इन पर बेस्ड क्वेश्चन का एक क्विज भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी बिना आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट से बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड, अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु, संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं व समानांतर रेखाएं, ठीक है। इन सबको धीरे धीरे करके हम यहाँ पे इस पूरी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री का मतलब। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं या फिर रेखा गणित बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं ज्योमेट्री को अगर ब्रेक करूं, तो ज्योमेट्री 2 वर्डों से मिलकर बना है, जियो, जियो से और मैट्री से, ठीक है। तो पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मींस अर्थ का, पृथ्वी का मेजरमेंट करने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपल से इसकी डेफिनेशन बता दी। अब दूसरे तरीके में हम देखते हैं, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है कि गणित की 3 विशाल शाखाओं में से यह एक है। तो गणित की 3 विशाल शाखाएं कौन सी, आपको पता होना चाहिए। तो 3 शाखाएं है गणित की, अंकगणित, अंकगणित, ठीक है, बीजगणित, और तीसरा है रेखा गणित। अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित, ठीक है। अब आप सबको पता होगा अंकगणित को क्या बोलते हैं, अंकगणित को अर्थमेटिक बोलते हैं, बीजगणित को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं, और रेखा गणित को ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इन 3 शाखाओं में से यह एक इंपॉर्टेंट शाखा है ज्योमेट्री, ठीक है, गणित की। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण स्वभाव, मापन और उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ज्योमेट्री के अंदर क्या किया जाता है, बिंदु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बिंदु का पर्टिकुलर, ठीक है, बिंदु से क्या बनती है, लाइन बनती है, ठीक है। तो इस रेखा का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ ठोस चीजें, कोई भी सॉलिड चीज हो गई, जैसे कि 3D, कोई 3D फिगर हो गई हमारी, 3D फिगर के अंदर हो गया हमारा
जैसे सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सारी चीजें होती है, इनका अध्ययन किया जाता है, इनका मापन किया जाता है, ठीक है, इनसे मेजरमेंट की जाती है, इन्हीं शेप से की जाती है ना। और इसमें एक लाइन और है कि उनके अंतरिक्ष के सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब ये चीज क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो जो हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च किया हमने, तो पृथ्वी के सापेक्ष में, मतलब कि हमारी जो अर्थ है उसके सापेक्ष में उस सैटेलाइट की दिशा क्या है, कि उसकी दिशा क्या है, कि किस डायरेक्शन के अंदर है वो, ठीक है, और दूसरा वह कितनी दूरी पर है पृथ्वी से, ठीक है, और उसे कितना टाइम हो गया लॉन्च किए हुए। तो इन सब का पता हम किससे लगाते हैं, हम ज्योमेट्री से लगाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इन सब का पता लगाने में, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिए, ज्यामिति जो है गणित की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री का क्या यूज है हमारी लाइफ के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। अभी एक एक करके हम इन सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब जो इसमें पहला टॉपिक है वो है बिंदु, ठीक है, पॉइंट। पॉइंट से ही हमारी शुरुआत हुई किसकी, ज्योमेट्री की, ठीक है। अब देखिए, बिंदु यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है, ठीक है। कैसे है, जैसे कि मान लो अगर मैं इसको साधारण भाषा में समझाऊं, ये एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं डॉट यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे डॉट बनाता हूँ, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसकी स्थिति बता सकते हैं मुझे कि डॉट मैंने कहाँ पे बनाया है। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर आपने ये डॉट जो है वो कहाँ पे बनाया है, राइट में। कहाँ पे राइट में, ब्लैक बोर्ड के राइट में, लेकिन अपर राइट के अंदर, ब्लैक बोर्ड के अपर राइट में आपने ये बनाया है, ठीक है, बिंदु बनाया है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी स्थिति को बता सकते हैं कि बिंदु हमने कहाँ पे बनाया है, ठीक है। दूसरा आगे देखिए, इसमें न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, ठीक है, न ही चौड़ाई होती है। इसमें देखो ये बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, आपको पता है। बिंदु बिना आकृति व आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं, ना ही कोई इसका, अब जब इसकी लंबाई और चौड़ाई ही नहीं होगी तो इसकी आकृति और आकार तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो बिना आकृति व आकार वाले गणित के सांकेतिक चिन्ह को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको बिंदु समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बिंदु के बाद आता है रेखा, मीन्स लाइन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, रेखाखंड के दोनों हिस्से को अनंत तक बढ़ा देने पर रेखा या सरल रेखा प्राप्त होती है। अब रेखाखंड आपको पता होना चाहिए, रेखाखंड क्या होता है, रेखा देखो अलग अलग कर दो, रेखा और खंड को अलग कर दो, मीन्स रेखा का ये एक टुकड़ा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपने एक रेखा खींची, एक लाइन खींची, ठीक है। अब इसी को टुकड़ों में बांट दिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया बी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एंड पॉइंट हो गए ना, इस रेखा के एंड पॉइंट हो गए दोनों, तो मतलब कि यहां तक की दूरी तो आप माप सकते हो ना, यहां तक की दूरी, ठीक है। लेकिन यहीं इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं अनंत तक बढ़ा दूं, ए को आगे तक बढ़ा दूं इनफाइनाइट तक, और बी को भी आगे तक बढ़ा दूं इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बस ये क्या हुआ, जो ये रेखाखंड था मैंने इसके दोनों हिस्सों को अनंत तक बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गई, रेखा बन गई। कहने का मतलब है कि रेखा के अंदर से ही रेखाखंड निकला है, और उसी रेखाखंड को अगर मैं दोनों साइड से बढ़ा दूं तो वह अनंत तक बढ़ के रेखा बन जाएगी। तो ये देखिए, ये हो गई एक स्ट्रेट लाइन, ये इसको दोनों साइड बढ़ा रखा है। अच्छा, रेखा को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर। तो जैसे ए बी था ना, क्योंकि ए बी को मैंने दोनों साइड बढ़ाया, तो ए बी के ऊपर आ जाएगा ये वाला साइन, कि दोनों डायरेक्शन दिखा दी गई है, कि जो लाइन है उसको दोनों दिशाओं में क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, रेखाखंड जो मैंने आपको बताया था, लाइन सेगमेंट, ये रेखा से ही निकलता है, रेखा के बीच में से उसको दो भागों में काट दो। मान लो देखो, ये वाली ये रेखा थी पहले, मान लो, क्योंकि ये यहां तक जा रही थी अनंत तक, और बी वाला पॉइंट भी कहां तक जा रहा था, अनंत तक जा रहा था, लेकिन क्या किया हमने, यहां से इसको काट के यहाँ पे ए पॉइंट दे दिया, और यहां से काट के इसको बी पॉइंट दे दिया। तो अब ये रेखा का ही टुकड़ा है, तो ये हो गया रेखाखंड हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ ए और बी के बीच की दूरी आसानी से माप भी सकते हैं। यही इसमें लिख रखा है, देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने पर जो भाग बनता है उसे रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई निश्चित होती है तथा इसे नापा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो रेखाखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए रेखाखंड को पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे डिनोट करते हैं ज्योमेट्री में। तो इसको डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर ये सिंपल सी लाइन कर देंगे, इसके दोनों तरफ कोई भी अनंत तक बढ़ने वाला साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एंड पॉइंट होते हैं ए बी, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं नाप सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आती है हमारी किरण, रे जिसे बोलते हैं। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि क्या है, ये भी लाइन से ही बनी है। कहने का मतलब है देखो ए और बी, अगर मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट लगा देता बी, ठीक है, अब यहां तक ए से बी तक तो क्या होती है कि क्या होती लाइन सेगमेंट होती, ठीक है, रेखाखंड होता, लेकिन मैंने बी को क्या किया, बी को मैंने आगे तक बढ़ा दिया अनंत तक। तो एक तो एंड पॉइंट आपको नजर आ रहा है ए, लेकिन बी तो नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि बी को तो मैंने अनंत तक बढ़ा दिया। तो अब ये बन गई एक रे, अब ये रे का काम करेगी। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर हम जो लाइन लगाएंगे उसका एक ही डायरेक्शन में एरो लगाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एरो लगाएंगे कि ये बढ़ती जा रही है, एक तो सिर्फ एंड पॉइंट है लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रे किरण, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे देखिए, अब आता है संरेख बिंदु, मीन्स को लीनियर पॉइंट। संरेख बिंदु मतलब कि एक ही रेखा पर आने वाले बिंदु। ठीक है, अब देखिए तीन या उससे अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं यदि उनसे होकर केवल एक ही रेखा गुजरती हो। या तो देखो तीन, यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी सी डी, ए बी सी और डी, कम से कम तीन होने चाहिए, तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर होने चाहिए, सीधी रेखा के अंदर खड़े हुए होने चाहिए ताकि उनसे एक लाइन जो है वो सीधी पास हो सके। ठीक है, अगर कोई सा भी अगर बी पॉइंट अगर इधर आ गया ना, अगर गलती से बी पॉइंट इधर आ गया तो बी से तो गुजरेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैसे तो फिर भी तीन पॉइंट रहेंगे ए सी डी, ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएगी, संरेख रेखा ही कहलाएगी, संरेख बिंदु ही कहलाएगी। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट ही कहलाएंगे ये, क्योंकि ये एक ही रेखा से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मान लो सी को भी इधर कर दूं तो सिर्फ अभी कितने पॉइंट बचे, ए और डी बचा, तो दो से गुजरने वाली लाइन तो कोलिनियर तो कहलाएगी नहीं, वो दो पॉइंट तो कोलिनियर कहलाएंगे नहीं, संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो कम से कम तीन बिंदु होने चाहिए जो एक ही लाइन से गुजरे, तीन या तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। तो ए बी सी डी इसमें क्या है, संरेख बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक ही बिंदु से तीन या उससे अधिक गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था, उसमें एक रेखा थी जो कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंटों से गुजर रही थी, तीन या तीन से ज्यादा बिंदुओं से गुजर रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिंदु एक ही रहेगा कॉमन पॉइंट, लेकिन उससे क्या होगा, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें गुजरेगी, तीन या तीन से ज्यादा क्या गुजरेगी, रेखाएं गुजरेगी उसे कॉमन पॉइंट से। ठीक है, तो ये लाइनें क्या कहलाएगी, ऐसी तीन या तीन से अधिक लाइन जिनका एक ही कॉमन पॉइंट हो वो क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अभी आता है प्रतिच्छेदित रेखाएं एवं प्रतिच्छेदित बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एवं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स इंटरसेक्ट करने वाली, एक दूसरे को काटने वाली, प्रतिच्छेद करने वाली। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हो तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं और उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कि कॉमन पॉइंट जहां पे वो काट रही है को प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेखाएं हैं, पी है और क्यू है। ठीक है, दोनों कहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है। अगर ये पहली बात तो काट रही है तो इनको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स प्रतिच्छेदित रेखाएं। और ओ पॉइंट पे काट रही है, जहां पे काट रही है उसको नाम दे दिया ओ। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। तो ओ क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखा जिसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये दोनों रेखाएं अनंत तक नहीं मिलती है, अर्थात इसका कोई प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो सीधी जाएगी, ये तो काटेगी ही नहीं, ये तो मिलनी नहीं है अनंत तक। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो पैरेलल लाइंस के, ये कभी भी मिलती नहीं है, हमेशा पैरेलल रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और यहाँ पे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आएंगे इंपॉर्टेंट है कोण, कोण के प्रकार जितने भी प्रकार है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्त कोण, सरल कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, संपूर्ण कोण, वह आसन कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक एक करके इन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोण मीन्स एंगल बनता कैसे है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं का एक ही कॉमन पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये क्या बन रहा है कि एंगल बन रहा है इन दोनों की रेखाओं के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, कोण के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नौ टाइप ले रखे, जिसमें आता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्त कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, व कोणों का एक रैखिक युग्म। इन सब के बारे में अभी एक एक करके हम यहाँ पे फटाफट से पढ़ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो था वो था न्यून कोण। ठीक है, जिसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वह कोण जिसका माप 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, या 0 या 90 के बीच में हम कह सकते हो, वह क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल रहेगा ये 0 से तो बड़ा रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्यूट एंगल जिसे न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ये कितने का भी हो सकता है, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक कि ये 89 डिग्री तक का भी हो सकता है। ठीक है, ये किसमें आएगा, न्यून कोण के अंदर। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है मैक्सिमम न्यून कोण की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम न्यून कोण कहाँ तक जाता है, 89 डिग्री तक। ठीक है, आगे देखिए समकोण, अब आता है राइट एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो तो वह समकोण कहलाता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, कि आप देख सकते हैं दो रे के बीच यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समकोण के बाद आता है अधिक कोण, अधिक कोण आता है जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, वह कोण जिसका माप 90 से अधिक और 180 से कम हो, या हम कहें कि 90 और 180 के बीच हो, तो वह कौन सा होता है, अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं दो रेज के बीच, ये देखो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये आपको पता है 90 से तो ज्यादा ही है, लेकिन 180 से कम है, ये मान लो हो सकता है 130 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण का एग्जाम्पल हो गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सरल कोण, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा एकदम। ठीक है, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री के बराबर हो, वह सरल कोण मींस स्ट्रेट एंगल कहलाता है, मींस थीटा यहाँ पे होगा 180 डिग्री। तो अभी देखिए, यहाँ पे उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अधिक कोण जिसमें 180 से कम था, और अब धीरे धीरे जो आप देख रहे हो ना, ये जो रे है आपकी धीरे धीरे खुलती हुई एकदम सीधी हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट था कॉमन पॉइंट, ये एक रे थी, दूसरी रे थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल बनना। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, धीरे धीरे बी पॉइंट कहाँ आया, फिर बी पॉइंट आया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, तो बन गया हमारा राइट, बन गया राइट एंगल बन गया। फिर धीरे धीरे बी पॉइंट चलते चलते कहाँ आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया तो हमारा कौन सा बन गया, ऑब्ट्यूज बन गया, अधिक कोण बन गया। अब धीरे धीरे ये बी पॉइंट है ना, ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हो जो ये टोटल एंगल बन गया, ये कितने का बना है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला जो है वो है प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक हो या 360 से कम हो, या हम कहें कि 180 और 360 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, 270 हो सकता है, 300 हो सकता है, 320 हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब वो जो पहले यहां तक आया था, यहां तक आया था तो 180 था, अब ये रे कहां चली गई, और नीचे चली गई, अब ये रे चली गई, यहाँ पे मान लो ए पॉइंट था, यहाँ पे बी, इधर आ गया अब ये रे, तो इधर जो ये पूरा जो एंगल बना ना, ये कंप्लीट एंगल, ये क्या कहलाएगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए धीरे धीरे करते हुए रे अभी कहां जाएगी, यहां से शुरू हुई थी, इसके ए से थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे यहां तक पहुंच गई, बी यहाँ पे पहुंच गया अभी धीरे धीरे। अभी आगे देखिए, संपूर्ण कोण जिसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री माप वाले कोण को संपूर्ण कोण मींस कंप्लीट एंगल कहा जाता है। अब थीटा क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया, मतलब कि ये ए पॉइंट था, यहां से
हमारा जो बी जो रे थी जो एंगल बना रही थी ए और बी के बीच में, पहले यहाँ पे थी, फिर बी हमारा यहाँ पे आई, रे यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई बी हमारा, ठीक है, फिर कहाँ पे आई, यहाँ पे आके उसने 180 बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कौन सा बनाया 180 के बाद, 180 के बाद यहाँ पे जो एंगल बना ना वो प्रतिवर्ती कोण था, रिफ्लेक्स था। अब यहां से घूम के बी पॉइंट वापस से यहाँ जहाँ ए की पोजीशन है वहां पे बी पॉइंट भी आ गया, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होके वापस से इसी ए पॉइंट पर आ गया, तो कंप्लीट एंगल बन गया ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, पूरा एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, इसलिए इसे संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जो है पूरक या कोटि पूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है, ठीक है, दो कोणों का योग इसमें क्या होता है 90 डिग्री, किसमें पूरक बोल दे या फिर कोटि पूरक बोल दे, ठीक है, तो x प्लस वाई क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप अगर मान लो ये एंगल जो है वो 50 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कितने का होगा, वो होगा 40 डिग्री का, ठीक है। अगर एक कोण यहाँ पे 70 डिग्री का है, ठीक है, तो उसका पूरक या कोटि पूरक कोण कितने का होगा 20 डिग्री का। एक कोण अगर 10 डिग्री का है तो उसका पूरक या फिर कोटि पूरक कोण कितने का होगा 80 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम इनका मिलके 90 बनाता है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए दूसरा आ गया समपूरक कोण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसमें, तो उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एक एंगल अगर यहाँ पे 70 डिग्री का है तो दूसरा आप बता सकते हो दूसरा कितने का हो जाएगा 110 डिग्री का। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर एक एंगल 130 डिग्री का है और पूछे कि इसका संपूरक कोण कितना होगा तो दूसरा आप बता दोगे इजिली 50 डिग्री का है। एक एंगल अगर यहाँ पे 100 डिग्री का है तो दूसरा आप आसानी से बता दोगे कितने का होगा 80 डिग्री का होगा उसका संपूरक कोण। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कोणों का एक रेखिक युग्म मींस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो पेयर, पेयर में आ गया मींस पेयर में क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे एक लीनियर मीन्स सीधी रेखा, सीधी रेखा के ऊपर दो कोण बने हुए होंगे और उन दोनों कोणों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं कोणों का एक रेखिक युग्म। रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का रेखिक युग्म कहलाता है, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप फिगर देख ही सकते हो, अगर ये यहाँ पे 130 डिग्री है तो आप आसानी से बता दोगे दूसरे वाला कितना होगा 50 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये सीधी लाइन है ऐसी, इसके ऊपर बन रहे, ठीक है, इसके ऊपर क्या बन रहे, दो एंगल बन रहे, दो ही होंगे तभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा, कोणों का एक रेखिक युग्म कहलाएगा, और इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे आगे आता है टॉपिक आसन कोण व शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लेते हैं। आसन कोण मीन्स एडजेसेंट एंगल क्या होता है, यदि दो कोण एक ही बिंदु से बन रही किरणों से बने और उसमें एक किरण उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन हो, तो वह कोण आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये दो कोण बन रहे ए कोण और बी कोण, ठीक है, एक ही बिंदु से बन रहे, ए कॉमन पॉइंट है दोनों कोण के अंदर, ठीक है, दोनों कोण के अंदर ए कॉमन पॉइंट है इससे बन रहे, और दूसरा देखिए एडी जो है, एडी ये कॉमन रेखा है, एडी क्या है कॉमन रेखा है दोनों एंगल्स के अंदर, ए और बी के अंदर क्या है कॉमन रेखा है एडी, एडी दोनों के अंदर आए, तो ये दोनों जिसमें एक कॉमन रेखा आ जाए दो कोणों के बनने के लिए, एक बीच में कॉमन रेखा का यूज हो, तो वो क्या कहलाते हैं आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये कोई इक्वल नहीं होते आसन कोण, ये अगर मान लो ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 डिग्री का भी हो सकता है, ठीक है, ए और बी आसन कोण कभी इक्वल नहीं होते, एडजेसेंट एंगल नेवर इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट मींस एक दूसरे के सामने बनने वाले कोण, ठीक है, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं,
आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं तथा इसकी माप बराबर होती है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एंगल ए किसके बराबर होगा, इसके सामने कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर, ठीक है। एंगल बी अगर मैं पूछूं किसके बराबर होगा, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे ये थ्योरी का पार्ट यहाँ पे कवर हो गया है। तो अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा क्विज की तरफ, क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अभी देखना कैसे सेकंडों में आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर दोगे, इनका आंसर दे दोगे, ठीक है। अभी आप देखिए कि 270 डिग्री माप का एक कोण किस कोण का उदाहरण है। 270 डिग्री का माप किस में आता है, द एंगल ऑफ मेजर 270 डिग्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, न्यून कोण में आता है, एक्यूट में तो हमने पढ़ा था 90 से कम होता है, अधिक कोण में कितना होता है, 90 से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, लेकिन ये तो 180 से भी ज्यादा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सम कोण राइट एंगल में आप सबने पढ़ा था 90 डिग्री का होता है, उससे बनता है। परिवर्ती कोण में आपने देखा था कि 180 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी के बीच में तो है ये 270, 180 और 360 के बीच में, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्रतिवर्ती कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक है, आपको बताना है 138 के संपूरक का कोटिपूरक। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 138 डिग्रीज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समझो इसको ध्यान से, इसको कह क्या रहा है कि पहले तो आपको 138 का संपूरक निकालना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि 138 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कितना होगा, आपको पता होना चाहिए जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, x plus y equal to 180 डिग्री। अब उसमें से एक अगर 138 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा, आसानी से आप बता सकते हो, 138 घटा लोगे 180 में से तो कितना आ जाएगा, 42 डिग्री, ठीक है। अब जो ये 42 डिग्री आया है ना, इसका कोटिपूरक बताना है, तो इसका क्या बताना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, दूसरा इसका कोटिपूरक कितना हो गया है। आपको पता है दो कोटिपूरक एंगल्स का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये 42 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 48 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा इसका 48 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। कई बच्चे 42 ही लगा के आ जाते हैं, तो 42 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, 38 भी रॉन्ग एंड 90 भी रॉन्ग, सो राइट आंसर विल बी 48 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे, तो इनको बहुत ही आसानी से आप ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हो। देखिए जैसे कि दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, आपको पता है दो कोटिपूरक कोण जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहले आप देख लीजिए, अगर ऑप्शन में देखे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का अगर मैं सम करूं, क्योंकि यहाँ पे तो अंतर तो 40 है ही सबका, अंतर तो ए का, ए ऑप्शन में भी 40 है, बी में भी 40 है, सी में भी 40 है, डी में भी 40 है, लेकिन पता कैसे चलेगा, पता यह चलेगा कि दो कोटिपूरक जो कोण होते हैं उनका सम जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम कीजिए, तो ये तो 100 बन रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को 70 और 30, ये भी 100 बना रहा है, ये भी रोंग हो जाएगा। 25 और 65, ये देखिए ये 90 बना रहा है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये तो पहले इसमें एक 110 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एंगल का सम ही 90 होता है, तो ये तो वैसे रोंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन से भी आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और अगर इसका सोल्व करने का तरीका बताऊं, तो यह होगा कि दो कोटिपूरक कोणों का सम तो आपको पता ही 90 होता है, ठीक है, और इन दो का डिफरेंस इसने कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो बस अभी आपको करना क्या है, ये दो इक्वेशन मिल गई, इनको सोल्व कर लेना है। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो वाई से वाई कट गया, 2x इक्वल टू आ गया हमारे पास 130 डिग्री, और x कितना आ जाएगा, x आ गया हमारे पास 130 बाई 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 65 डिग्री। x 65 आ गया, y आसानी से आप निकाल सकते हो, y आ जाएगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आसानी से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है इस रेशियो में 4:5, दो पूरक कोणों का जो अनुपात है 4:5 है, तो वह कोण होंगे, आपको यह बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, और आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपको साथ ही साथ ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना,
और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय।